जब गुरु नानक पाशा के आगमन का समय हुआ, दौलता दाई को बुलाया गया। दौलता दाई मेहता कालू से कहती है कि अगर पुत्र हुआ तो क्या दोगे। तो मेहता कालू गुरु नानक पाशा के पिताजी कहते, कहने लगे तू जो मांगेगी, जितना अनाज मांगेगी, इतना अनाज दे दूंगा, इतना सामान दे दूंगा कि सालों की तेरी भूख मिट जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब दौलता दाई ने पहली बार गुरु नानक पाशा के दर्शन किए तो उसके आंसू बह निकले। ये जो इतिहास दास बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं, इसमें इतनी सारी बातें हैं ना साध संगत जी, कि अगर वो बताने लग गया तो केवल गुरु नानक पाशा का यही प्रसंग ले पाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और आपको पता है मेरा मन होता है कि मैं बहुत कुछ बताऊं संगत को, बहुत सारी संगत नई भी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दर्शन किए रो पड़े, दर्शन करते ही रह गए। और जब काफ़ी समय बाद बाहर आए मेहता कालू को बधाई दे, तो मेहता कालू कहने का मांग क्या मांगती है, तू जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा। पिता को खुशी हुई घर में पुत्र आया है। तो अब दौलता दाई क्या कहती है, पहले खुद आकर पूछती है कि क्या दोगे। अब दौलता दाई कहती है मेहता कालू तो कितना दे देगा, कितना दे देगा कि मेरे सालों की भूख मिट जाएगी। मैं जिसके दर्शन करके आए हूँ मेरे जन्मों की भूख मिट गई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज मैं रज्जी। ये अक्षर कहे दौलता दाई ने कि मैं रज्जी। रज्जी किसे कहते हैं, जो रज गया। राजा, राजा वो नहीं जो राज सिंहासन पर बैठा है, बाबा नरसिंह जी कहते थे राजा वो जो रज गया, जिसे कुछ नहीं चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह के दर्शन करके दौलता दाई कहती है कि मैं रज्जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कैसे दर्शन होंगे गुरु नानक पातशाह के, कि लालच खत्म कर दिया, मांगने की चाहत खत्म कर दी एक दीदार देकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।